रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आज आपका रेनबो सेवन चैनल बर्फीली वादियों से निकलकर आ पहुंचा है अंडमान का भी नहीं, भारत का भी नहीं, एशिया महाद्वीप का सबसे कलीन बीच पर, जिसकी मनोरम छवि दिल में उतर जाती है। इतना प्यारा यहाँ का जो दृश्य है आपने इंट्रो में देखा होगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, तो उनको बता दें कि हम हिमाचल प्रदेश को पूरा कवर करते और बर्फीली वादियाँ और स्नोफॉल का फोरकास्ट भी करते हैं। तो हमारा चैनल अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज आपको इस श्रृंखला जो प्रारंभ हुई है, इसके माध्यम से अंडमान निकोबार के जो सभी आइलैंड हैं प्रमुख जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ का पानी इतना कलीन है कि आप उसकी अंदर क्या है वो आप आसानी से देख सकते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनका रिप्लाई देने का, मेरे नॉलेज के अनुसार देने का प्रयास करूंगा। तो मैं पिछले दिनों यहीं चला आया था और यहाँ बहुत एंजॉय किया। और आप यदि आना चाहते हैं तो यहाँ निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। और यहाँ का पानी का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार यहाँ मछलियाँ, यहाँ जो लाइव कोरल है, कोरल आप यहाँ देख सकते हो, और बहुत सारे समुद्र जो जनजीवन है उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो जैसे जैसे आगे वीडियो आएंगे उसमें मैं कवर करता जाऊंगा। तो आज हम राधानगर बीच है उसके बारे में विस्तार से एक स्टेप बाई स्टेप जानेंगे। यहाँ पहुँचे कैसे, इसके लिए आपको अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से आपको फेरी लेनी होगी। फेरी का तात्पर्य है एक समुद्री छोटा जहाज जो इंजन से चलता है। और इसमें दो प्रकार के फेरी आपको अवेलेबल होंगे, एक तो सरकारी गवर्नमेंट का और एक प्राइवेट होगा। तो दोनों की अलग अलग विशेषता है। और आप प्राइवेट में थोड़ा लग्जरियस टाइप का होता है, लेकिन उसकी कमी यह है कि आपको ऊपर जाकर, यानी जो डेक होता है उसके ऊपर जाकर समुद्र का जो मनोरम दृश्य है उनको देखने की मनाही होती है। और किराया प्राइवेट का ज़्यादा होता है, जबकि सरकारी का किराया कम होता है। और ऊपर जाकर आप इस समुद्र, जो नीला समुद्र है, नीला आसमान है, उसका मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं और इसका किराया भी कम होता है। और प्रॉब्लम ये है कि सरकारी है जो गवर्नमेंट वाली है, इसको हम बुक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो आगामी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये यहाँ पर आप एंजॉय कीजिएगा। यदि आपको तैरना भी नहीं आता है तो किनारे किनारे पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं और कोरल को आप लाइव देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वो यहाँ नहीं होती है। यहाँ तो केवल कलिन बीच है, उसका एंजॉय लीजिएगा। और बहुत ही जो प्रकृति का जो नज़ारा है ना, वो बहुत ही सुंदर है। अब मैं बात करूं होटल्स की, तो यदि आप लग्जरी होटल बुक करना चाहते हैं तो मेरी राय यह रहेगी कि आप पहले बुक कर लेवें, क्योंकि यहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं करता है। केवल कॉलिंग के लिए BSNL का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, BSNL की सिम ज़रूर लेके आएं। और BSNL के अलावा कोई नेटवर्क काम नहीं करता है और इंटरनेट यहाँ नहीं चलती है। वो चलती भी है तो 2G के स्पीड से भी कम चलती है, इसलिए आप यहाँ आकर ऑनलाइन होटल है बुक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा राय है कि आप होटल पहले बुक कर लेवे और आपको होटल है हर प्रकार की आपको यहाँ मिल जाएगी, यानी कम से कम प्राइस में और अधिक से अधिक प्राइस में मिल जाएगी। और यहाँ के बीच की बात बता दूँ कि यहाँ के बीच का रंग है सफ़ेद, वो है कोरल के कारण। कोरल जब डेड हो जाता है, मृत हो जाता है, तो वो सफ़ेद मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। भारत में सफ़ेद मिट्टी वाला, यानी ये कोरल वाला बीच आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ आपको जो बीच है उसके पास ही खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं और होटल्स आपको मिल जाएंगे, खाने पीने वाले, रहने वाले नहीं मिलेंगे। रहने के लिए आपको वापस हेवलॉक के आइलैंड की तरफ, गोविंदनगर है, या जहाँ आप जेटी, यानी कि जो फेरी पहुँचती है उसका बस स्टैंड जेटी कहलाता है,
तो वहाँ आप बहुत सारे होटल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये वीडियो यदि आपके काम का है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।